तो दोस्तों आज मैं आपको LG, सैमसंग, मोटोरोला और हवाई जो है इनके बोर्ड के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बोर्ड जो हैं वे नोकिया के प्राइस में यानी कि नोकिया के रेट में जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें कोड देखना पड़ता है, ये क्लासिक का सेट है और आप ये देखिए इसमें कितनी शाइनिंग है यानी कि गोल्डन की कितनी मात्रा है। तो दोस्तों थोड़ा गोल्डन पे जो है रेट डाउन है, इसलिए थोड़ा प्राइस भी जो है पत्तों पे इसके जो बोर्ड हैं इस पे भी थोड़ा कम हो गया है। तो दोस्तों मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से जो बोर्ड हैं हमारे जो पलेटें हैं इनकी ये जो है नोकिया में जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिक के बोर्ड ले लेते हैं, तो इसमें जो है आईसी पे देखना पड़ता है। तो दोस्तों जिस भी आईसी पे क्वालीकॉम लिखा हुआ होता है तो वो हमारी जो है नोकिया के प्राइस में जाती है, यानी कि हमारे पास में काफ़ी बोर्ड हैं और इस पर आप देखिए ये क्वालीकॉम लिखा हुआ है यानी कि पावर आईसी है, पावर आईसी और सीपीयू एक ही दे दी तो ये पावर आईसी है, इस पे क्वालीकॉम लिखा हुआ है या क्वालीकॉम भी नहीं लिखा हुआ है लेकिन आईसी काफ़ी बड़ी है तो इस वजह से भी वो हमारे नोकिया के प्राइस में जागी। तो दोस्तों मैं आपको हवाई का सेट दिखाता हूँ, ये हवाई का सेट है और इस पे जो है आईसी पे क्वालीकॉम लिखा हुआ है और लेकिन बोर्ड जो है हमारा थोड़ा आधा है, कोई बात नहीं लेकिन हमारी आईसी की वजह से जो है ये हमारे बोर्ड जाते हैं। तो ये आईसी की वजह से जो बोर्ड जाते हैं तो बोर्ड छोटा है कोई बात नहीं लेकिन ये जो है नोकिया के प्राइस में जाएगा यानी कि रोके के रेट में जाएगा। और हमारे पास में नोकिया के दो बोर्ड हैं लेकिन इन बोर्ड में जो है जो बिल्कुल भी जान नहीं है यानी कि, तो ये देखिए ये हमारे जो है कम दामों में जाएंगे यानी कि कम रेट में, बहुत ही कम रेट में जाएंगे यानी कि नोकिया के होते हुए भी। तो दोस्तों हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बताइए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो स्क्रैप संबंधी आपको मिलती रहे। थैंक यू वॉचिंग।